नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन। और 2D एनिमेशन में मैं आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे आई ब्लिंक कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा लिप्स का सिंक्रनाइज कैसे किया जाता है। कोई भी आपके साउंड है, आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो लिप्स है वो कैसे एनिमेट हो, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है कैरेक्टर है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपके पीछे की वीडियो में दिखाए थे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। और इस कैरेक्टर को हम पूरी तरीके से एनिमेट करके दिखाऊंगा आपको और दिखा भी रहे हैं, जैसे कि मैंने आई ब्लिंक दिखाया था पीछे की वीडियो में। और अभी मैं दिखाऊँगा आपके लिप्स का सिंक्रनाइज कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक साउंड है कहानी में लगाए थे, हिंदी कहानियाँ एक चैनल है वहाँ पर। ये हमारे पास एक जो है रिकॉर्डेड वॉइस है, इसकी अकॉर्डिंग मैं इसके जो लिप्स है इसकी सिंक्रनाइज कराऊंगा। तो दोस्तों कोई भी साउंड है उसको आप दो तरीके से इसके लिप्स को जो है सिंक्रनाइज करा सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूं, हम इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा लेयर बना हुआ है। यहाँ पर लिप्स का एक अलग लेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिप्स का एक अलग लेयर है। मैंने इसका नाम नहीं लिखा लेयर का, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं लेयर का नाम, जिसे आपको पता रहे कि कौन सा लेयर पे क्या चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेयर बनाता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट किए, और यहाँ पे मैं वॉइस को लेके आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वॉइस है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास वॉइस जो है इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर दो चीज़ सेटिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपका वॉइस यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं होता है तो आपके वॉइस का जो हार्टज है वो बहुत ज़्यादा है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक ऑडिशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कि हम वॉइस को एडिट करते हैं। तो हम इस वॉइस को जो आपका रिकॉर्डेड वॉइस है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना होता, सेव एज करते हैं, सेव एज कंट्रोल एस शिफ्ट। सेव करने के बाद, सेव एज करने के बाद यहाँ पर देखिए चेंज का ऑप्शन है, चेंज करते हैं। तो अभी हमारा वॉइस जो है 44,100 है। आप इसकी जो है, अगर आपके इससे ज़्यादा होगा तो आपका वॉइस जो है एनिमेट सीसी में इंपोर्ट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका वॉइस जो है 44,100 से कम हो। आप देख सकते हैं 44,100 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका साउंड जो है इंपोर्ट नहीं होगा एनिमेट सीसी में। तो आप इसको यहाँ जाके इसकी जो है 44,100 कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेट सीसी में जाते हैं, हमारे पास ये वॉइस यहाँ पे आ गया है। और इस वॉइस को आपको जहाँ तक है, अभी हम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वॉइस बहुत ज़्यादा है, इधर तक है, यहाँ तक है। उसके बाद अगर आपके ये वॉइस, अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे ये वॉइस जो है ये चल रहा है। आप देख सकते हैं, तो अगर आपका वॉइस नहीं चल रहा है तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस साउंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साउंड पे क्लिक किए और यहाँ पे देखिए साउंड का कुछ सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। पहला चीज़ तो आप यहाँ पे रिपीट पे जहाँ पे है रिपीट होने दें या लूप में चलने दें, जो भी आपको, अगर छोटा सा साउंड है आप चाहते हैं पूरा हमें यही साउंड चलता रहे तो आप लूप कर सकते हैं या रिपीट पे क्लिक करें। और जो यहाँ पे सिंक्रनाइज, यहाँ पे देखिए सिंक्रनाइज का एक ऑप्शन है, इस पर जाके स्ट्रीम किया हुआ, अगर आपके पास कोई भी इवेंट स्टार्ट स्टॉप है उसको चेंज करके आप इवेंट पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, आपके जो लिप्स हैं और जो साउंड का जो है वो सेम चलेगा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं इस लेयर को भी मैं आगे तक बढ़ा लेता हूँ, यहाँ तक मैंने बढ़ा लिया, इसको भी सेम रखते हैं यहाँ तक। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि साउंड है, जैसे मान लो देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, लिप्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए लिप्स लूपिंग करके है, इसको स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद देखिए लिप्स हमारा जो है एनिमेट हो रहा है।
और हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये एनिमेट हो रहा है। देखिए यहाँ तक, यहाँ के बाद लिप जो है बंद होना चाहिए। यहाँ पे एक F6 लगाते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको इस टाइप से फर्स्ट स्कैन कर देते हैं। फिर जो है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद जो है फिर से ये बोलना शुरू करता है। तो यहाँ पे हम एक F6 लगाएंगे और फिर से इस पे लिप्स पे क्लिक करते हैं और इसको लूप में चलने देंगे। लूप में चलने के लिए ये देखिए चल रहा है। फिर मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखते हैं, देखिए यहाँ तक फिर से आ रहा है। यहाँ के बाद हमारा जो लिप्स है ये बंद हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक F6 लगाते हैं और यहाँ से लिप्स सेलेक्ट करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और उसको फर्स्ट फ्रेम कर देते हैं। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको हम फिर से ऑन करेंगे, ऑन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, F6 लगाते हैं और इसको फिर से ऑफ कर देते हैं और फर्स्ट फ्रेम कर देते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, F6 लगाए, इसको ऑन किए लूपिंग में और उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ तक ये चल रहा है। वॉइस यहाँ तक चल रहा है। यहाँ पे हम आके F6 लगाते हैं और इसको मैं करता हूँ क्लोज और फर्स्ट फ्रेम कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इस वॉइस के अकॉर्डिंग इसका लिप्स जो है चलना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ भी वॉइस है मैं एक चला के दिखाता हूँ। तो इस टाइप से हमारा जो है लिप्स का सिंक्रनाइज हो जाता है। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल सा जो है लिप्स सिंक्रनाइज। जहाँ जहाँ भी आपका कैरेक्टर जो है बोल रहा है कैरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो है बटन लगा सकते हैं और वहाँ पे इसको एनिमेट करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों ऑटोमेटिक, जैसे मतलब आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ भी साउंड है वहाँ वहाँ पर ये लिप्स अपने आप ही ऑन ऑफ होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ पूरे को, पूरे को सेलेक्ट किए, Shift F6 प्रेस किए, इसका एनिमेशन ये हट गया है। अब ये हमें क्या करना है, ये इसको ऑफ रखें या ऑन रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऑफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जाते हैं लिप्स पे। जब हम लिप्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक सिंक्रनाइज लिप्स सिंक्रनाइज का एक बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेटिंग करना पड़ता है। पहला चीज़ तो आपका जो साउंड है कहाँ पे रखा हुआ है वो सेलेक्ट करते हैं। हमारा लेयर जो है ये साउंड का Layer 2 पे है, तो Layer 2 पे सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप बहुत सारा लेयर आ सकता है, अगर साउंड का लेयर बहुत सारा है तो उसके अकॉर्डिंग ये लिप सिंक्रनाइज होगा। हमारे पास सिर्फ एक साउंड है यहाँ पे Layer 2 पे, Layer 2 ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेचुरल में हमारा यही रहेगा, उसके बाद आ के लिए हमारा ये रहेगा, डी के लिए हम मान लीजिए इस टाइप से रहेगा, ई के लिए ये हम कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा लिप्स है, आप देख सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने जो है अपने जो है जिस जिस पे लिप्स है उसको हमने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे सिर्फ 12 ही ऑप्शन होता है अब लिप्स का। हम इसको जो ही डन करेंगे ये ऑटोमेटिक रन होके जहाँ जहाँ पे साउंड होगा वहाँ वहाँ पे ऑन हो जाएगा। हम यहाँ से डन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है लिप्स साउंड के अकॉर्डिंग सिंक्रनाइज हो जाएगा। ये हमारा डन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिप्स के लेयर हैं वहाँ पे बहुत सारा बटन यहाँ पे लग गया है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए साउंड नहीं है, यहाँ पे लिप्स कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है।
इस टाइप से दोस्तों आपके पास कोई भी अगर साउंड है उसके अकॉर्डिंग आप लिप्स का सिंक्रोनाइज करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।